मामला जिला भिंड लहार विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद दबोहा का है। यहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए गरीबी रेखा के राशन कार्ड पर हितग्राहियों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मौके का मुआयना करते हुए यह पाया गया है कि हितग्राही अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इंतजार में बैठे रहते हैं, मगर यहाँ आलम यह है कि राशन की कालाबाजारी करने की नीयत से हितग्राहियों को बेरंग राशन के घर लौटाया जा रहा है। यहाँ जांच पड़ताल में हितग्राहियों द्वारा यह बताया गया है कि हमारे राशन की कालाबाजारी यहाँ इस तरह होती है कि एक एक महीने तक राशन नहीं बांटा जाता है, और जबकि शासन के द्वारा गरीबों के लिए नियत समय पर कोटा आवंटित कर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करा दिया जाता है। बताओ क्या बात है? तो 6 का 5 किलो काट के मिल रहा है। कहाँ से हो आप? यहीं से हैं। कौन से वार्ड की हो? के एक सदस्य की पात्रता 5 किलो होती है, तो उसको 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है, मतलब 1 किलो काट के क्यों दिया जा रहा है? शासकीय उचित शासकीय मूल्य की उचित दुकान आप ही की है? हाँ भाई। किस नाम से संचालित है? आई मैं उपभोक्ता भंडार। यहाँ उपभोक्ता इतने परेशान हो रहे हैं और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोई भी नहीं है, हर माह आदमी ले जा रहा है, उसका ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है। अभी तक आपके यहाँ कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है? जो तो आपको मशीन से मालूम पड़ा है।